गाइस, मैं आपका अपना पवन तेवतिया, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो कि आजकल बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, हेयर लॉस। हेयर लॉस के बारे में आज हम बात करेंगे कि हेयर लॉस कैसे होता है, क्यों होता है और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो जो मेन रीज़न है हेयर लॉस का, वो होता है हमारा जेनेटिक्स, जो हमारे जीन्स होते हैं, जो कि हमको हेरिडिटी इशू होता है। मेन रीज़न ये है हेयर लॉस का। हेरिडिटी इशू भी नहीं है, जिनको जेनेटिकली इशू भी नहीं है उनके भी हेयर लॉस हो रहे हैं। उनका सबसे बड़ा रीज़न है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब आप सोचोगे ये क्या होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है हमारा मेल हॉर्मोन होता है, फीमेल्स के अंदर भी होता है, कम होता है बट फीमेल्स के अंदर। इसका ज़्यादा बढ़ जाना, टेस्टोस्टेरोन का जो डेरिवेटिव होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा बढ़ जाना हमारा हेयर लॉस में सबसे बड़ा कारण है। तो मेन रीज़न मैंने अभी बात बताया आपको, टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और दूसरा जो मेन रीज़न है वो है न्यूट्रिशन। लैक ऑफ न्यूट्रिशन में हमारा मल्टी विटामिन्स, जो हमारा B1, B12, B6, जो भी मल्टी विटामिन्स हैं, विटामिन ई, ये हमारा जो मेन रीज़न है हमारा हेयर लॉस में, ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स और इनफ न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, प्रोटीन इनटेक अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, या तो उसको डाइट से लो या एज अ सप्लीमेंट लो। प्रोटीन इनटेक अगर हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है और हमारे मल्टी विटामिन्स, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, आपका बायोटिन, जितने भी विटामिन्स हैं हमारे बी कॉम्प्लेक्स, जितने विटामिन्स हैं, विटामिन ई हो गया, विटामिन D3 हो गया, डाइकैल्सिकेरिफिरॉल जो विटामिन है, जो मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आपके मिनरल्स, आपके विटामिन्स, उन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आपको हेयर लॉस रोकना है तो। आपको कंप्लीट डाइट और इनफ स्लीप, स्लीप का बहुत मेन रोल है। हमको रात को 8 घंटे सोना ही सोना है। हमें स्लीप की वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, क्योंकि हमारे इनफ जो हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन जो हमारे नाइट में रिलीज होते हैं, हम उनको रिलीज नहीं होने दे पा रहे हैं। तो हमको इनफ स्लीप भी लेना है। और एंजाइटी, स्ट्रेस की वजह से भी हमारे हेयर लॉस हो रहे हैं। एंजाइटी जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल है हमारा, उसको भी एक्टिवेट नहीं होने देना है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री जितना रह सकते हैं हम, इतना स्ट्रेस फ्री हमको रहना है अगर आपको हेयर लॉस रोकना है तो। और जिम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जिम में जो भी प्री वर्कआउट लेते हैं उनसे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। क्यों? क्योंकि प्री वर्कआउट हमारी डिहाइड्रेशन करता है। अगर डिहाइड्रेशन प्री वर्कआउट कर रहा है तो हमको, अगर आप प्री वर्कआउट ले भी रहे हो तो हमको पानी साथ के साथ पीना है। आपको शेकर अपना भर के रखना है और पानी इनफ साथ के साथ पीते रहना है, जिससे कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो इंट्रा वर्कआउट। हम कैसे इनको ठीक कर सकते हैं विटामिन्स? अगर आपको हेयर फॉल को रोकना है, कंट्रोल करना है, तो आपको क्या करना है, मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव होता है, उसको कम करना है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। कम से कम भी हमारे हफ्ते में 150 मिनट का वर्कआउट रहेगा। बेशक आप 30 मिनट वर्कआउट करो दिन में, बट वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा जो सेकंड थिंग है वो हमारा जो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। विटामिन्स, मिनरल्स जो भी हैं उसका इनटेक अच्छे से करना है आपको। मैंने बताया था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें B1, B2, B6, B12, आपका जितने भी मल्टी विटामिन्स हैं बी कॉम्प्लेक्स वाले, विटामिन ई, वो बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ में हेल्प करने वाला है। और मिनरल्स में आपको मैं बता रहा हूँ, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन। आयरन बहुत ज़्यादा मेन रोल अदा करती है हेयर लॉस को रोकने के लिए। तो हमको इन सब का भी इनटेक करना है। या तो आप ग्रीन वेजीज पे जाओ या मल्टीविटामिन सप्लीमेंट से लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ग्रीन वेजीज में आप ब्रोकली हो गया, सैलेड हो गया, जितनी भी ग्रीन वेजीज हैं उन पर आपको जाना है। और सीड्स जो होते हैं हमारे, पंपकिन सीड, चिया सीड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। स्काल्प, जो हमारा सर में जो स्काल्प होता है, जिन पे हमारे हेयर ग्रोथ करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्दी करने के लिए हम सीड्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमको सीड्स को भी इनटेक करना है। और हमारा फ्रूट्स में हो गया, पोमेग्रेनेट, आपका अनार हो गया, कीवी हो गई, अमरूद हो गया, इनके अंदर बहुत सारे विटामिन्स ऐसे होते हैं हेयर लॉस को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो
प्रोटीन का भी इनफ इंटेक रखना है अपने बॉडी वेट के हिसाब से। अगर आप ज्यादा प्रोटीन ले रहे हो अपने बॉडी वेट LBS के हिसाब से भी ज्यादा प्रोटीन ले रहे हो तो भी हेयर लॉस होने की संभावना है। तो आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन और जितना आपकी बॉडी को नीड है इतना प्रोटीन इंटेक, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, मैंने सारी चीज बताई है। तो हमें सारी चीजों को लेना है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सबको ऐड करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ऑथेंटिक नॉलेज लेने के लिए मेरे से ऐसे ही जुड़े रहें। अगर हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज इनबॉक्स में डालें, डायरेक्ट मैसेज करें या मेरे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स में डालें। थैंक यू सो मच। मैं आपका अपन पवन तेवतिया, एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड एज न्यूट्रिशनिस्ट। थैंक यू सो मच।